यूपी के फतेहपुर में व्यवसाय के चलते हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इसके गायब होने की सूचना इसके ससुर ने दी तो उस पर पुलिस गुमसुत्री करके इसकी तलाश करने लगी। इसके बाद पता चला कि एक डेड बॉडी मिली है लटकी हुई, तो पुलिस वहां गई, पहचान करवाई तो राकेश पुत्र स्वर्गीय चौधरी कुटिला की निकली हो, इस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस छानबीन में जुटी। इसके पश्चात ये ज्ञात हुआ कि ये राजेश कुमार प्रजापति, जिसके हम ये मृतक था, पहले पेंटिंग की सिखलाई करता था और बाद में इसने अपना स्वतंत्र रूप से दुकान खोल लिया, जिससे उसकी रोजी रोटी प्रभावित होने लगी। उसका छोटा भाई दिनेश ने प्लानिंग किया और राजेश को बताया कि 60,000 रुपये दे के हम इसको मरवा दें। इसी के तहत इन लोगों ने डस्टर गाड़ी में इसका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद जाकर इसकी हत्या कर दी, जिसमें दो लोग थे, बादल पुत्र मनोज और प्रदीप पुत्र रामदयाल। ये दोनों पकड़े गए और राजेश और उसका भाई दिनेश ये भी गिरफ्तार हुआ। आला कतल गाड़ी और जो 60,000 रुपए थे उसमें से 55,000 रुपए भी गिरफ्तार किए गए, पुलिस को बरामद किए गए हैं। और इस तरह से पुलिस ने रिस्पांस टाइम में इसको किया, इससे पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा दिया गया।